गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह के दो दिवसीय बिहार दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इसी सब के बीच शाह किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बता दें कि अमित शाह को आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें शाह के साथ बैठक में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो शामिल होंगे, साथ ही जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल होंगे। साथ ही शाह के नेपाल के साथ लगती सीमा की निगरानी के लिए तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने और सत्ता पक्ष से हटकर बीजेपी के विपक्ष में पहुंचने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है। दरभंगा नगर निगम चुनाव के नामांकन को लेकर प्रत्याशियों में काफी जोश देखा जा रहा है। बता दें कि वार्ड नंबर 35 से छोटी रानी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया और बताया कि हमारे वार्ड में निगम का कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे वार्ड के पार्षद घोटाले में फंस गए थे, जिसके कारण वार्ड का चौमुखी विकास नहीं हुआ। साथ ही कहा कि मैंने वार्ड पार्षद के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और जीतने के बाद वार्ड में चौमुखी विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। कटिहार के प्राणपुर थाने में हाजत में हुई मौत को लेकर अधिकारी ने परिसर में तोड़फोड़ मामले की लेकर जांच की और दिशा निर्देश दिए। बता दें कि हाल ही में थाने में शराब तस्कर की मौत हो गई थी, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की और थाने में रखे दस्तावेज CCTV कैमरे सहित उपद्रवियों ने बवाल मचाया था, जिसको लेकर कटिहार SP ने प्राणपुर थाना में मौजूद सभी पुलिसकर्मी से गहन से पूछताछ की। इस दौरान मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। छपरा शहर में भारी जलजमाव उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण सड़कों की स्थिति तालाब जैसी हो गई है। पूरे शहर में जलजमाव से लोग परेशान हैं। जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाने के कारण बीमारियों का खतरा भी जिले में बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले शहर की स्थिति सुधारने की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती शहर के विकास के लिए, इसके बावजूद प्रदेश के हालात ज्यों के त्यों ही रहती है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में देर रात एक विवाहिता का शव उसके परिजन चोरी छिपे जला रहे थे। मामले की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देखते ही परिजन शव को वहीं छोड़ भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में लिया। सूचना के आधार पर पुलिस वहां गई थी गांव मुर्दा घाट में, तो वहाँ तो कुछ लोग उसको डेड बॉडी को जला रहे थे। पुलिस को देख के भागना लगे, ग्रामीण लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये दूसरे गांव का है। लड़की का माँ बाप का घर सोनबरसा है और उसका शादी 5 महीना पहले ये बकरी गांव सकरा थाना अंतर्गत आता है, वहीं पर उनकी शादी हुई थी। कुछ पता चला कि इसमें कुछ दिमागी रूप से चल रही थी, जिसका इलाज इनके परिजन कर रहे थे और अपना ये आत्महत्या कर ली है। इसकी गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। छपरा के पानापुर प्रखंड में अनियंत्रित पिकअप ने ग्रामीणों को रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। ग्रामीणों ने मवेशी चोर समझ हल्ला मचा दिया, जिसके बाद युवक अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप पर बैठा कर भागने लगा। इस दौरान मौके पर दो लोग की मौत हो गई। फिलहाल के लिए अपना बिहार में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।